हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि धरती का जन्म कैसे हुआ और किन किन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये धरती जो गर्म लावे की तरह गर्म व लाल थी, ठंडी कैसे हुई, धरती पर पानी कहां से आया, पहाड़ और समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, हम यह सब कुछ पिछली वीडियो में जान चुके हैं। लेकिन अभी तक आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ऐसे में दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि धरती के निर्माण के बाद इस पर जीवन की शुरुआत कैसे और कहां से हुई और जीवों का विकास कैसे हुआ। दोस्तों, ये सच है कि आज जीवन में कई तरह के जानवर जैसे जहरीले सांप, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, हाथी जैसे सैकड़ों जीव हमें देखने को मिल रहे हैं और उनकी भी हमें कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। आखिर इतने तरह के जीवों का विकास इस धरती पर कैसे संभव हो पाया? इस धरती पर एक तरह के जीवों का विकास क्यों नहीं हुआ? आखिर इतने प्रकार के जीव इस धरती पर कैसे उत्पन्न हो गए? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। दोस्तों, ये कहानी आज से ठीक 35 करोड़ साल पहले की है, जब धरती पर बरस रहे उल्कापिंडों की वजह से समुद्रों का निर्माण हो रहा था। धरती पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। ऐसे में दोस्तों, जब उल्कापिंडों से समुद्र का विकास हुआ तो समुद्र के नीचे से अब भी गर्म लावे निकल रहे थे, जिससे समुद्र का पानी उबल रहा था, जो नीचे से पानी को गर्म रखने का काम करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब उल्कापिंड धरती पर गिरे तो उनके अंदर क्रिस्टल, प्रोटीन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, कार्बन जैसे कई केमिकल मौजूद थे, जिनसे धरती पर जीवों का विकास होने वाला था। जब ये मिनरल्स और रासायनिक पदार्थ समुद्र की गहराई में जाकर गर्म वातावरण से मिले तो अभिक्रिया होने के बाद यहीं पर एक सूक्ष्म जीव का जन्म हुआ, जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया गया। ये एक कोशिकीय जीव थे, जिन्हें सिंगल सेल कहा जाता है, और करोड़ों सालों तक ये इसी तरह सिंगल सेल में ही समुद्र के अंदर पनपते रहे। अब तक चांद भी धरती से बहुत दूर जा चुका है, इतना दूर कि अब धरती पर एक दिन 18 घंटे का हो चुका था। अब आप देख सकते हैं कि ये एक कोशिकीय जीव यानी कि बैक्टीरिया कैसे तेजी से बढ़ने लगे हैं और देखते ही देखते पूरे समुद्र के अंदर करोड़ों अरबों की संख्या में फैले जा रहे हैं, जिनकी गिनती कर पाना वैज्ञानिकों के लिए असंभव कार्य है। अब ये बैक्टीरिया आपस में धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं, ये तेजी से अपने क्लोन विकसित करते जा रहे हैं और आपस में जुड़कर एक पत्थर की संरचना जैसी आकार में आ गए हैं, जिन पर पतले पत्ते व झिल्ली जैसी चीजें उभरने लगी हैं। इन आकार को साइंटिस्टों द्वारा स्ट्रोमेटोलाइट्स का नाम दिया गया है। ये स्ट्रोमेटोलाइट्स सूर्य की किरणों से अभिक्रिया करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, जिन्हें हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के नाम से जानते हैं। इसी प्रक्रिया में जैसे मनुष्य अपने शरीर से पसीने का उत्सर्जन करते हैं, ठीक वैसे ही ये स्ट्रोमेटोलाइट्स समुद्र की ऊपरी सतह और धरती के वातावरण में गैस यानी ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने लगे हैं। इन्हीं जीवों की वजह से अब इस धरती पर ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा है, जो कि धरती पर जीवों के विकास के लिए बहुत जरूरी था। वैसे भी दोस्तों, आप तो ये बात जानते ही हैं कि बिना ऑक्सीजन के धरती पर जीवों के अस्तित्व के बारे में कल्पना करना संभव नहीं है। इसी तरह ये स्ट्रोमेटोलाइट्स जीव वायुमंडल में 2 करोड़ सालों तक ऑक्सीजन छोड़ते रहे। इसी बीच धरती पर कई सारी घटनाएं होती रही। धरती के नीचे एक बार फिर से अत्यधिक गर्मी बढ़ने से वह गर्मी हर चीज को पिघलाकर उसे लावे के रूप में फिर से धरती से बाहर निकालने लगी। कई सालों तक ऐसा होने की वजह से धरती के वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें फैलने लगी। ये देखिए कैसे दूर दूर तक कार्बन डाइऑक्साइड बादल में छाए हुए है। अब अचानक इन बादलों से अम्लीय वर्षा होने लगी है, जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटी परत के रूप में जमने लगी है। लाखों सालों बाद धरती फिर से ठंडी होने लगी। धरती पर कई लाखों साल बीत चुके हैं और अब धरती बर्फ की चादरों से ढकने लगी है, लेकिन ये स्थिति अभी स्थायी नहीं है, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति के लिए अभी इनमें और भी परिवर्तन होना जरूरी है। अब फिर से दोबारा धरती के अंदर चट्टानों के टकराव के कारण धरती पर मौजूद ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते लावा फिर से धरती पर दस्तक दे चुके हैं। अब लगातार फिर से धरती का तापमान गर्म होने लगा है, जिसके चलते धरती पर मौजूद बर्फ तेजी से पिघलने लगी है। लेकिन दोस्तों, अभी तक समुद्र के अंदर अरबों की मात्रा में जो बैक्टीरिया पनप रहे थे,
वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं, जिन्होंने एक साथ मिलकर स्ट्रो मेट्रोलाइट्स का निर्माण किया था। वे अब धीरे धीरे म्यूटेंट होकर कई जीवों के रूप में विकसित होने लगे थे और समुद्र के नीचे कई छोटे बड़े पौधे भी आ चुके थे। मगर दोस्तों, धरती के ऊपरी सतह पर अभी भी किसी प्रकार का कोई भी जीव जंतु या पौधा उत्पन्न नहीं हुआ है। यह स्थिति सिर्फ ऐसी इसलिए है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें इतनी तेजी से धरती पर पड़ रही थी कि उस समय किसी भी जीव की उत्पत्ति धरती पर होना बिल्कुल असंभव था। लेकिन अगले कई लाखों वर्षों तक धरती के वातावरण में कई उतार चढ़ाव आते रहे, जिसके चलते अब धीरे धीरे आसमान में ओजोन परत की लेयर्स तैयार हो रही थी, जो इन सूर्य से निकलने वाली खतरनाक किरणों को रोकने का काम करेंगी। अब देखिए कैसे समुद्र तल में छोटे बड़े जीव तैयार हो रहे हैं, जो उन्हीं एक कोशिकीय बैक्टीरिया से तैयार हुए हैं, जिनकी उत्पत्ति समुद्र में पहली प्रक्रिया के रूप में हुई थी। उनमें से ही ये एक छोटा सा जीव पिकाया भी है, जिसके शरीर का साइज धरती पर रहने वाले एक छोटी चींटी से भी छोटा है। यानी अब इनमें से कई बैक्टीरिया एक नन्हे से स्थूल शरीर में परिवर्तित होने में कामयाब हो चुके हैं। यही पिकाया अब आगे चलकर हमारे मानव शरीर का रूप लेने वाला है। सबसे पहले इसी जीव के अंदर स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण हुआ था। अब ये जीव आगे चलकर म्यूटेंट होने के बाद मछली के रूप में परिवर्तित हो गया है। समुद्र तल में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से अब ये मछली समुद्र के बाहर आ चुका है। इस मछली के अंदर धरती पर भी जीवित रहने के गुण मौजूद हैं। इन जीवों का शरीर धीरे धीरे धरती के वातावरण के अनुकूल बन चुका है। धरती पर तेजी से बदलते वातावरण के चलते लाखों वर्षों के अंतराल में अब इन जीवों के शरीर पर बदलाव साफ देखा जा सकता है। यानी अब यह जीव रेंगने लगे हैं, इनके डीएनए में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और शरीर की बनावट बदलने लगी है। इन जीवों को धरती पर रहने में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अभी ये धूप को सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कई करोड़ों वर्षों में इनकी त्वचा और बॉडी पार्ट्स जमीन पर रहने लायक विकसित हो चुके हैं और इनका शरीर धूप की किरणों को बर्दाश्त करने लगा है। वैज्ञानिकों ने इन जीव को रिसर्च के दौरान टेट्रापोड्स का नाम दिया है, जो कि इस धरती पर चार पैरों पर चलने वाले सर्वप्रथम कशेरुकी प्राणियों के वंशज थे। यही टेट्रापोड्स नामक जीव आगे चलकर विकसित होने के बाद विशालकाय डायनासोर, पक्षी और भी कई जानवरों के रूप में परिवर्तित होकर मानव जीवन का भी निर्माण करने वाला था। इसी क्रम में धरती का वातावरण फिर से जीवों के रहने लायक यानी कि उनके अनुकूल हो गया। ओजोन परत के निर्माण से अब सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर नहीं आ पा रही थी, जिसके चलते धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से खत्म होने लगी है और अब वो समय आ गया जब धरती से पेड़ पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। जीवों का विकास होने लगा है। अब कई जीव डायनासोर जैसे विशाल काय शरीर में परिवर्तित होने लगे हैं, जिसमें से कुछ डायनासोर उड़ने वाले थे, कई डायनासोर शाकाहारी हुए तो कई मांसाहारी के रूप में विकसित हुए। दोस्तों, धरती पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले डायनासोर ही थे, जिन्होंने करोड़ों वर्षों धरती पर राज किया। यह इनका सुनहरा दौर था। लेकिन करोड़ों वर्षों बाद अचानक इस धरती पर ऐसी विनाशकारी घटना हुई जिसमें डायनासोर प्रजाति सहित 95% जीव जंतुओं का खात्मा हो गया। आखिर वो घटना कितनी भयानक रही होगी जिसने धरती पर इतने विशालकाय और ताकतवर जानवरों का अस्तित्व ही मिटा कर रख दिया। तो जानेंगे इनके बारे सब कुछ विस्तार से अगले वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान कुंभ के साथ।